बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों, ये है मगना और ये है इसके चूज़े। बमुश्किली अंडों से लेकर चूज़ों का सफ़र तो इसने तय कर लिया है। अब आगे देखते हैं कि ये अपने बच्चों को किस तरह संभालेगी और किस तरह बड़ा करेगी। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसलिए कि हम बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में शेयर करेंगे और आपसे इस चैनल पर हम मुकम्मल काम करेंगे। अगर आप एक मुर्गियों और मुर्गों के शौक़ रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हम मुर्गियों के बीमारी के बारे में बात करेंगे कि गर्मियों में और सर्दियों में किन बीमारी का ख़तरात होते हैं और उनसे कैसे बचा जाता है, और खुदा ना खास्ते अगर आपके मुर्गियाँ और चूज़े बीमार हैं तो उनका इलाज क्या है। तमाम तफसीलात इस चैनल पर हम आपको बताएँगे और आपके सवालों के जवाब पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा, चूज़े मरते क्यों हैं, इन किन किन वजूहात हैं चूज़ों मरने के, और सर्दियों में चूज़ों का किस तरह हिफाजत होता है, अंडों पर कैसे मुर्गी बैठती है और ज़्यादा से ज़्यादा अंडे कैसे देती है, तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे इस चैनल पर। आपको एक एक वीडियो, एक एक बेहतरीन मालूमात से हम आपको फराहम करेंगे इंशाल्लाह। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मायूस नहीं होंगे। तो ये एक मुर्गी और इसके बच्चे हैं। मेरे पास तकरीबन बहुत सारे मुर्गे और मुर्गियां हैं और मेरा ख़ुद से तकरीबन 11 साल या 10 साल का तजुर्बा है। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ 11-10 साल का मेरा तजुर्बा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपको बता सकूँ और आपको समझा सकूँ। मेरे दोस्त और मेरे कज़न बलूचिस्तान में बहुत हैं जो कि इन्हीं मुर्गियों का ही बिज़नेस करते हैं और कारोबार करते हैं, तो इसलिए मुझे इतना मालूम है कि मैं आपको पढ़ा सकूं और आपको बता सकूं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम तफसीलात हम मुर्गियों और चूज़ों और मुर्गों के बारे में हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा हम तमाम वैरायटियों पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल के लिए इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लाएंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।